द व्लॉग जो कि हम हैं फुकेट में और आज हम जा रहे हैं टाइगर किंगडम। आश्रय आज थोड़ा लेट हो गया, 2 बज चुके हैं। लेट्स सी वहाँ पे हम कुछ कर पाते भी हैं या हमारा पॉपअप होकर वापस ही आ जाएंगे। जो भी होगा आपको व्लॉग में पता चलता रहेगा। तो चलो चलते हैं टाइगर किंगडम। हम निकलने वाले हैं आज फुकेट के एडवेंचर ट्रिप पे। तो सबसे करी अपनी कन्वेंस को ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्कूटीज रेंट पे मिल जाएंगी, बुक करी यहाँ पे टैक्सी और हम सीधे पहुंच गए टाइगर किंगडम। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं टाइगर किंगडम। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं टाइगर किंगडम में और चलो देखते हैं यहाँ पे टिकट्स की रेट के प्राइजेस हैं और इन्हीं पे वेटिंग आवर्स लिखा हुआ है। इतना पैसा पे करने के बाद अब वेटिंग आवर आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यू कार्ड आपको एंट्रेंस पे ही मिल जाएगा। टर्म ऑफ अग्रीमेंट साइन कराना पड़ता है ताकि लाइफ का जो भी रिस्क हो वो आप ही बेयर करें, टाइगर किंगडम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पर आपको मिलेंगे 10 मिनट टाइगर के साथ बिताने के लिए, इसे इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करी हुई है। ये निकले फिर से थाई बाद की एक सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि अगर ये आपके वॉलेट में है तो ये वॉलेट में रहते ही नहीं है, बार बार उछल उछल के बाहर आते हैं। ये रही हमारी मैडम। तो हम आ चुके हैं अपना क्यू नंबर देखने, जहाँ पे हमने कैश पेमेंट किया था वहीं पे आपको क्यू नंबर आपकी मिल जाएगी। हमारा है 8233 और यहाँ पे आपको मिलेगा म्यूजिक। तो टाइगर किंगडम में इस वक्त चल रहा था वेटिंग टाइम, जिसकी वजह से हमने सोचा कि चलो उस वेटिंग टाइम को कहीं पे यूटिलाइज करते हैं, इसलिए हम आए हैं गो कार्टिंग के लिए। पहले हम यहाँ पे वैसे शूटिंग और आर्चरी के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनको शूटिंग पसंद है वो प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, पर हमारा मन था गो कार्ट ट्राई करने का। दोस्तों और चलो गो कार्ट देखते हैं, उसके प्राइजेज मैं आपको बताती हूँ। टिकट्स वगैरह लेते हैं और शुरू करते हैं। तो ये रहा गो कार्ट का यहाँ पे पूरा टिकट का डिटेल्स। तो अभी हम सोच रहे हैं कि कौन सी गो कार्ट का टिकट लें और जाएं। तो हम आ चुके हैं गो कार्ट में। आप सबसे पहले यहाँ पे साइन करेंगे ये रेगुलेशन फॉर्म और हम ले रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदे का सौदा, डबल सीट फॉर 800 baht। इसमें हम बाद में स्विच कर देंगे सीट्स और फोटोज वीडियो के लिए हमारा काम चल जाएगा, वो भी सस्ते हैं। तो लेट्स गो। You're not paying the money. You're just talking. Tao. So again, आप देख रहे होगे फिर से भात की जो यही सबसे बड़ी क्वालिटी है, अगर आपने इसको अपने वॉलेट में रखा तो ये टिकेगा ही नहीं, कहीं उछल उछल। 3000, 2000, 3% and 1000 the trip. I said 800 baht. Okay. Thai people are very supportive. So now we are ready. कैमरा ऐसा लगा लिया है। तो लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस, ये बैठे हैं पोंगा पहन के। चलो भैया गो कार्टिंग ही नहीं शुरू कर पा रहे हम तो। ओके, ये भैया हमारे असिस्टेंट्स हैं यहाँ पर जो हमें असिस्ट करेंगे कि हमें कब चलना है कब नहीं जाना है। बाकी इसको दो लोग भी तीन लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बुल्स आई वाला फॉर्मेट, अगर वो आपको आर्चरी का
बोरिंग लगे तो। और ये वाला पूरा पोस्टर आपका इस पे लगेगा और फिर आप यहाँ से आर्चरी कर सकते हैं। तो चलो ट्राई करते हैं आर्चरी। फुकेट में आके ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं वापस टाइगर किंगडम और हम वेट कर रहे हैं। अभी आपने देखा हम आर्चरी गो कार्ट वगैरह ट्राई करके आए। अभी भी हमारा हाफ एन आवर वेटिंग टाइम है टाइगर से मिलने में, तो वेट करते हैं। तो बस लक करो, वेट करो, वेट करो लक। तब तक तुम क्या वेट करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो हम है टाइगर केव में। फुकेट का असली मजा ना टाइगर केव में ही है। आप जिससे हम मिलेंगे वो लवली। तो ये थे हमारे टाइगर दर्शन। ओ भाई साहब अल्टीमेट एक्सपीरियंस। थाईलैंड आओ तो ये टाइगर वाइगर से मिल लेना, जो भी है यार वी लव्ड इट। इसका नाम है ब्लूमा, डोंट टच पुट एनीथिंग पिंक ब्यूटी। ये है वाइट टाइगर रूबी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 2016 और ये वाइट बंगाल टाइगर है एंड ये फीमेल है। ये वन ऑफ द लॉस्ट स्पीशीज में से है, बहुत कम है। वाओ, तुम मुझे पीछे से देख रही हो ताकि तुम मेरा मेरा नाश्ता बना सको। हैं वाओ, इनकी केज खुली हुई है। वाओ, अरे मेरा भी तो पोज ले लो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। पोज लेते लेते मैं तुम्हारा नाश्ता कर लूंगी। इनका नाम मेंशन नहीं है बट ये है कोई कोई। तो टाइगर किंगडम आने से पहले एक दो टिप आपके लिए, जब कभी भी आप टाइगर विजिट करें तो आप हमेशा छोटा वाला टाइगर सिलेक्ट करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम होता है उसके साथ ना, इंजॉय करना इजी होता है। लेकिन जबकि अगर हम बड़ा टाइगर जायंट टाइगर के साथ जाते हैं तो थोड़े अग्रेसिव होते हैं, जो कि थोड़ा सा डर भी लगता है। मुझे तो काफी डर लगा। बाकी चलो जल्दी से प्लान कर लो अपनी ये ट्रिप और इन्जॉय करो, क्योंकि ये बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस था हमारे लिए। आपको कैसा लगा हमें जरूर बता लो। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में और तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय।